वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेज। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम लोगों ने एनडीए का जो हम लोगों ने पिछले बार 100% एग्जैक्ट एंड ऑथेंटिक लेवल का जो क्वेश्चन एनालिसिस रखा था, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं यूनिट सैम्पल पेपर आपको कराऊंगा, सारी यूनिट फिजिक्स के सारे कवर करने हैं मुझे उसमें, ठीक है। तो हमने पिछले उसमें आपको सिलेबस बता ही दिया था, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन वेक्टर और वन डायमेंशन टू डायमेंशन लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक था, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोगों ने उसी लेवल के क्वेश्चन लाए हैं एनडीए के ही, 25 क्वेश्चन ही रखे हैं, सभी टॉपिक को टच किया हुआ है। देर ना करते हुए अपनी पेन और पेंसिल निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए। आज इस चीज़ को चेक भी करिएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करिएगा, ठीक है। तो बच्चों, जो आज टॉपिक है उसका सिलेबस ये है, देख लीजिए इसको। और बच्चों, सबसे बड़ी बात, मैंने ये तो रखा ही कि सैम्पल पेपर आपको कराऊं, मैं सोच रहा था कि आपको उस यूनिट, जो जैसे 3-4 यूनिट मैंने लिया है उसमें मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हाँ, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है था उसको टेस्ट के बाद उसका डिस्कशन भी कर दूँ, जिससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, जोश तो बिल्कुल होगा ही आप में बिल्कुल। हाँ, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, USP 1, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, द रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस गामा, ये दिया हुआ है। अल्फा और गामा जो है वो मीटर में है, अल्फा गामा क्या है, मीटर में। अब आपसे पूछा कि, और टी इन सेकेंड, तो पूछा क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ बीटा मस्ट बी, ठीक है। तो अब हमसे एसआई यूनिट इसकी पूछा हुआ है। देखिए, ये भी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक तरीके से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो जो बीटा टी है ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की ये जो यूनिट है मीटर हो जाएगी, ये बीटा और ये टी, अगर इसको मीटर भी कर सकते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर रखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो टाइम कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और ये क्या हो गया, एम। तो बीटा की जो यूनिट आ गई वो कितनी आ गई, एम बाई एस, या आप इसको भी कह सकते हैं एम एस माइनस वन। तो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारा डी आंसर सही है। बच्चों, तैयार हो जाइएगा और बिल्कुल जो भी आपके क्वेश्चन सही हों उसको मेंशन जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितना किया है, ठीक है। चलिए, तो एक तरीके से पहला जो है उसका हमारा कौन सा आंसर सही है, डी आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आ चुका है, अ सर्कस परफॉर्मर ऑफ मास एम इज वॉकिंग अलोंग अ वायर, एक सर्कस का परफॉर्मर है जो वायर पे चल रहा है एक तरीके से, सोन इन फिगर नीचे दिया हुआ है। द टेंशन इन द वायर, पूछा क्या है, अप्रॉक्स एम जी, एम जी के बराबर हो, ठीक है, मोर देन एम जी, एम जी से बड़ा हो, डिपेंड्स ऑन वेदर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन वेदर द परफॉर्मर स्टैंड ऑन द वन ऑफ द 2 feet, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो बच्चों, ध्यान से डायग्राम को अगर हम देखें तो ये परफॉर्मर ऐसे हुए, ठीक है, ऐसे है, ये वायर है और इसमें जो परफॉर्मर है वो परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा टेंशन आपको कब मिलेगा, जब स्ट्रिंग के बिल्कुल क्या हो, स्ट्रेट ऊपर लगे, तो सबसे ज़्यादा टेंशन मिलता है, वो एम जी के बराबर। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमारा एम जी लगेगा वो तो नीचे लगेगा, मगर जो टेंशन लगेगा वो स्ट्रिंग्स में लगेगा, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर टी एम जी के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि, देख के भी कह सकते हैं, नहीं अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में लीजिए, इसको थीटा ले लीजिए, तो ये कुछ आपका टी साइन थीटा आएगा, और इसी तरीके यहाँ से ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा, और नीचे कितना लिखा हुआ है, एम जी। तो हम अगर देख के ही बता सकते हैं कि टेंशन जो है जुड़ जाएगा, और इसको नीचे अगर हम करें तो लेस देन एम जी के बराबर आएगा। इस हिसाब से हम देखें तो मेरा बी आंसर क्या है, सही है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन था फिलहाल। चलिए, तो कौन सा आंसर सही है, बी आंसर क्या है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो वन डायमेंशन का है। लिखा क्या, इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन द फर्स्ट इन द टाइम टी एंड एस डिनोट अ डिस्प्लेसमेंट बाय द कार ड्यूरिंग द सेम टाइम, ठीक, ध्यान से देख लीजिए। इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन टी, ठीक है, और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय द कार सेम टाइम, ठीक है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों, ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, पहला ऑप्शन अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा, और दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो क्या हुआ है, ऐसा कुछ, और सी आंसर अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ, और डी आंसर अगर हम देखें तो कैसा लिखा हुआ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है और बड़ा होता है,
डिस्टेंस क्या होती है भाई, बड़ी भी हो सकती है या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगी, मोशन इन वन डायमेंशन अगर हम बोलें कि डिस्टेंस अगर हम देखें वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगी, तो कौन से मोशन में, स्ट्रेट लाइन पाथ में, कहाँ होगी स्ट्रेट लाइन पाथ। जैसे आप कोई पाथ बना दिए, ये आपका इनिशियल, ये फाइनल, तो यही आपका डिस्टेंस होगा, यही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सी आंसर क्या सही, डिस्टेंस जो है वो बड़ी भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से और बराबर भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम आते हैं तो हमारा सी आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा वन डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है। बच्चों हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें से लिए हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती है ग्राफ के क्वेश्चन की। द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन इन ग्राफ, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स टी ग्राफ है कुछ ऐसा ये। अब ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा जो है द स्पीड इज यूनिफॉर्म, द पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा कुछ दिया है, द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। देखिए स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, और मैंने बताया है अगर कोई फार्मूला डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है, स्लोप है। इसका मतलब है कि अगर मेरा स्लोप कांस्टेंट होगा, स्लोप अगर क्या होगा, नियत होगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी मेरी क्या होगी, नियत होगी, और नियत वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म नाम देते हैं, क्या देते हैं, यूनिफॉर्म। और हमें दिख रहा है कि हर पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सेम है, हर पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सेम। इसका मतलब स्लोप क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इस हिसाब से अगर हम आते हैं तो पहला आंसर हमारा क्या सही, चौथे का पहला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। चलिए, टू फोर्स, वन ऑफ 3 न्यूटन एंड अदर ऑफ 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ मास, कितना दिया है, 1 kg। देख लीजिए बच्चों मास कितना दिया है, 1 kg, ठीक है, अप्लाइड ऑन स्टैंडर्ड 1 kg बॉडी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस साइमल्टेनियसली, ऐसा दिया है बारी बारी से। तो अगर हम ध्यान से देखें, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, और ग्राफ को अगर देख लीजिए, ग्राफ क्या, फोर्स का डायरेक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इस तरह फोर्स का डायरेक्शन 3 न्यूटन का है एक तरीके से, और अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो जो मेरा फोर्स का डायरेक्शन है वो 4 न्यूटन का है, ठीक। और हमसे पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन बताइए। तो देखिए बच्चों दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो अगर हम नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे या नेट फोर्स निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, अगर देखें तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 3 3 जा 9, ये 25, ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। तो मेरा जो नेट फोर्स आएगा वो कितना है, 5 न्यूटन। और अगर एक्सेलरेशन कहते हैं तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई नेट मास होता है, होता है, या टोटल मास। नेट फोर्स हमारा 5 न्यूटन आया, मास कितना दिया है, 1, तो मेरा जो आंसर होगा 5 m/s². इस हिसाब से आते हैं तो पाँचवें का हमारा कौन सा आंसर सही होगा, सी आंसर क्या होगा, सही होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है, दिया क्या है, द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द वेक्टर, कितना, पहला वेक्टर कितना है, 2i - j - k, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा जो वेक्टर है वो कितना दिया, i + 2j और कितना दिया हुआ है, -3k, ऐसा दिया हुआ है। और एक वेक्टर है 3i + pj और फिर +5k, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, अगर ये कोप्लेनर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट देखिए, पहले वाले को 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 3p और कितना, 5, ये डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0। अब चलिए 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ही आएगा, ठीक, कितना आ जाएगा, 5 2 जै 10 और -3 कितना आ जाएगा, +3p हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान से आगे, फिर माइनस, और ये माइनस पहले से लगा है तो +1 हो जाएगा, और 1 5 = 5 हो जाएगा, और 3 3 = 9 +9 हो जाएगा क्योंकि माइनस बीच में होता है। फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1p हो जाएगा, और 3 2 = 6 हो जाएगा, तो -6 = 0। तो ये कितना आ गया, 20 + 6p प्लस, और कितना आ जाएगा, 14, और ये अंदर -p और ये +6 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 5p हो जाएगा, और हम इसको जोड़े 20 और 14 और 6, ये कुछ 40 आ जाएगा, तो -40 हो जाएगा, p से कट गया, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस,
एट. तो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो हमारा कौन सा आंसर सही है? डी आंसर क्या है? सही है. नोट कर लीजिएगा इसको. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं. ठीक है, अपने नंबर देखते चलिएगा कितने क्वेश्चन है उसको ध्यान से. द वेक्टर मे चेंज इफ. देखिए वेक्टर कब चेंज होता है? पहला लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड. फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम सीधे लीनियर उसमें लेके जा रहे हैं, सपोज करिए ट्रांसलेटेड बोला है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटेड, तो फ्रेम जिस फ्रेम पे वेक्टर है उसी को हम रोटेट कर दे रहे हैं, पूरा फ्रेम को रोटेट कर दे रहे हैं. वेक्टर को रोटेट नहीं हो रहा, फ्रेम को रोटेट करते हैं. वेक्टर इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इट. कोई भी वेक्टर होता है उसको तो आप क्या करते हो, जैसे आप हेड टेल जोड़ते हो तो वेक्टर को शिफ्ट तो करा ही देते हो. ठीक है, तो भी वेक्टर बदलता नहीं. वेक्टर कब बदलता है? जब वेक्टर को आप क्या कर दो, रोटेट कर दो. इस तरफ से क्या कर दो, इसको यहाँ से क्या कर दो, रोटेट. तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज. और वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन. तो यहाँ से क्या हो जाती है, चेंज. डायरेक्शन चेंज हो जाता है. तो हमारा एक तरीके से 7 का कौन सा आंसर सही है? डी, वेक्टर इज रोटेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. द बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. जो वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है वो कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर. ऐसा कुछ दिया हुआ है, ध्यान से देखिए. अ स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर. जो विड्थ दी है वाटर की वो कितनी दी है, 1 किलोमीटर की दी हुई है. फिर आगे हमसे पूछा है कि उसको पार करने में कितना समय ले रहा है, 15 मिनट ले रहा है. ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं. द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन किलोमीटर पर आवर. तो हमको पानी जो जिसपे चल रही है जहाज, और उसको मतलब हमको नदी की जो वेलोसिटी है वो हमें बतानी है, ध्यान से. अ बोट विच हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेज अ रिवर विथ 1 किलोमीटर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल. और हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल भी चुनना है. तो ध्यान से देखिए इस चीज़ को. अगर हम आए यहाँ पे, हमारी ये रिवर है, ध्यान से देखिए, ये हमारी रिवर है. तो बच्चों अगर शॉर्टेस्ट अगर पाथ हो कि हमारी बोट यहाँ से चले, ठीक है, और यहाँ तक पहुँच जाए, इससे शॉर्टेस्ट तो कोई पाथ ही नहीं होता. अगर हम देखें तो ये सब तो ऊपर नीचे, मतलब एक तरीके से लंबा पाथ हो जाएगा. तो ध्यान से देखिए, तो हम करें क्या कि हमको यहाँ पे पहुँचना, और जो ये पानी है इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है, और उसको निकालनी है. वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो अगर हम वाटर उधर फ्लो कर रहा है तो हम सीधे जाएंगे तो उधर ही चले जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, अपनी नाव को इधर मोड़ते हैं. ठीक है, जो बोट की वेलोसिटी होगी वो किधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं. और रिवर किधर जा रहा है, अगर ध्यान से देखिए तो रिवर की जो वेलोसिटी है वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी. अब इसको ध्यान से करते हैं. ठीक है, तो समझो, तो हमको क्या बोलना है, अगर हम देखें तो हम देखें रिवर किधर जा रहा है, इधर, और बोट किधर जा रही है, इधर जा रही है. ऐसा हो रहा है कि नहीं, ठीक. और हमको बोला शॉर्टेस्ट पॉसिबल बोला है. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हम इसको और इसको अगर मिला, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी. अगर हम इसको मिला दिए तो देखिए रिजल्ट, ये रिवर की वेलोसिटी और ये किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये हमारा रिजल्टेंट, और ये हमारा कितना बन रहा है, थीटा एंगल सपोज करिए बन रहा है. ठीक है, अब देखो हम कैसे निकाल लें, इसको रिजॉल्व करते हैं. तो अगर हमने इसको रिजॉल्व किया तो ये एक तरीके से क्या हो जाए, और ये हमारा जो है ये है एक तरीके से v. ये रिजॉल्व ना भी करें तो साइन थीटा कॉस थीटा भी लगा सकते हैं. तो देखो अगर हमने यहाँ से साइन थीटा निकाला तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बोट. और कॉस थीटा अगर हमने निकाला तो बेस, बेस कितना दिया है vr, और हाइपोटेन्यूज कितना है vb. हमको देखिए v पता नहीं है, v हम कैसे निकालेंगे. तो देखें वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर कवर कर रहा है. और अगर हम टाइम देखें तो 15 मिनट दिया, इसको 60 से डिवाइड कर देते या आर में कुछ चेंज हो जाएगा. तो हम अगर इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा, अगर इसको ऊपर करें तो ये हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी. कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर. तो हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू. देखिए कैसे निकलेगी, ध्यान से अगर हम इधर आते हैं तो देखो वेलोसिटी ऑफ बोट अगर देखें, यहाँ से एंगल निकल सकता है. देखो कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी, अब मैंने निकाल लिया है कितना, 4. और वेलोसिटी ऑफ बोट अगर देखें कितना है, 5. 4/5 कब होता है साइन थीटा में, 53 डिग्री पे. इसी तरीके हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर को इधर कहते हैं, इसको इधर भेज देते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा. तो वेलोसिटी ऑफ जो बोट है वो कितनी है, 5 है, और ये 53 डिग्री रख देंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, 5 से 5 कटा. तो जो रिवर है उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी. इस हिसाब से अगर हम आते हैं तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी. ये रिवर बोट प्रॉब्लम में आता है.
ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट सर सॉल्व होता है, लिख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, बोला क्या, लेट एफ बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ पोजीशन वेक्टर आर एंड टॉर्क बी द टॉर्क, और बोला क्या फोर्स अबाउट द, आपको ऑप्शन सही चुनना है। देखिए बच्चों एक चीज, अगर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस है और उस पर फोर्स लग रहा हो, तो इसी पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, आर डॉट टाउ जो है जीरो है, एफ डॉट टाउ जीरो है, तो ध्यान से देखो, इससे आप खट से इसका आंसर बता सकते हो। देखो भाई, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर टॉर्क का डायरेक्शन सबसे पहले, तो टॉर्क का फोर्स को इधर हम देखें कर लिखिए, तो टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ये जो लाल वाला मार्कर ही मेरा टॉर्क का डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हमने देखा टॉर्क हमारा जो फोर्स से परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क और फोर्स का जो प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके हम देखें टॉर्क और आर के बीच भी देखें तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आप चौथा आंसर अगर देखें तो क्या दिख रहा है, ये टॉर्क है, ये टॉर्क और आर भी देखिए 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं आर डॉट टाउ ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हमने टॉर्क देखा, तो टॉर्क हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो फोर्स से भी ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एफ डॉट टाउ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम आते हैं, तो मेरा कौन सा आंसर सही है, चौथा आंसर क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वेक्टर का है, ठीक है, इसको देख लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है, और ये क्या है ए बी, और ये क्या है सी, और ये क्या है डी, और ये है ई, और ये क्या है एफ। तो हम इसको देख लेते हैं ऐसा कुछ, ये हम मान लेते हैं ये क्या है ओ है। और क्वेश्चन में दिया क्या है, इफ द रेगुलर हेक्सागन सोन इन द फिगर, ऐसा। और बोला क्या है, अगर ध्यान से देखिए, ए बी प्लस ए सी, ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, सॉल्व करते समय, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई और प्लस ए एफ, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके बराबर, बी एक्सप्रेस ऑप्शन दिए हुए हैं, 4AO 3AD 8AD और 0, कुछ ऐसा दिया है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, ए बी को रहने दीजिए, ए सी को अगर देखो तो ए सी, अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ए सी को अगर ध्यान से देखें तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी लिख सकते हैं। देखो ए सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी सी। तो अगर हम ए बी के पास आए तो हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से ए डी प्लस डी सी, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे क्या बचा, ए डी। अब ध्यान से देखो, ए ई को अगर देख लें, ए ई अगर हम आए ए ई को, तो ए ई को अगर हम देखेंगे तो ए डी प्लस डी ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी ई, और आगे क्या लिखा हुआ है, ए एफ, कितना लिखा हुआ है, ए एफ। अब ध्यान से देखिए फिर से, ए सी अगर ध्यान से देखो तो ए सी क्या है, ए डी और डी सी, ऐसा दिख रहा है। और ए ई अगर देखो, ये वाली अगर लेंथ अगर देखो, तो ए वाली लेंथ में क्या आ रहा है, ए डी, और क्या आ रहा है, डी ई आ रहा है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए कहाँ कहाँ, ए डी ए डी और क्या है, ए डी, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, ए डी 3AD, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे हमारे लिए बच कितना रहा है, ए बी और कितना बच रहा है, डी ई बच रहा है, ए बी और कितना बच रहा है, डी ई। फिर और आगे देखें तो बच रहा है क्या, डी सी प्लस ए एफ। तो चलिए बच्चों आगे इसको देखते हैं, क्या लिख दिया था मैंने, 3AD ए बी प्लस डी, और क्या लिखा है, डी सी प्लस ए एफ। तो अगर हम देखें ए बी और डी, देखिए डी दोनों एंटी पैरेलल है, तो एक तरीके से ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डी सी और ए एफ को देखिए, डी सी और ए एफ ये भी एंटी पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मेरा एक तरीके से आंसर कितना आ गया, 3AD। तो 3AD अगर आ गया, तो आप अगर देखें अपने उसमें, तो एक तरीके से हमारा कौन सा आंसर सही है, बी आंसर क्या है, करेक्ट है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बोला क्या, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, ये भी वेक्टर का है, द एरिया ऑफ पैरेलोग्राम फॉर्म बाय द वेक्टर, ये वेक्टर ए दिया है, और कितना, आई प्लस 2j प्लस 4k, ऐसा दिया हुआ है। और जो बी वेक्टर दिया है, वो दिया है 3i माइनस
2J ऐसा दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है कि एरिया बताइए। तो बच्चों एरिया अगर हम निकालने पे पैरेलोग्राम का तो हम कैसे वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं, इसको आई जे और क्या कर ले, के कैप कर ले, और आई का कोएफिशिएंट 1, जे का कोएफिशिएंट कितना 2, के का कोएफिशिएंट कितना 4, और 3 का कोएफिशिएंट कितना, आई का कोएफिशिएंट कितना 3 और जे का कोएफिशिएंट क्या -2 और ये क्या है 0। अगर इसको हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आई हो जाएगा 2 × 0 0, 4 × 2 = 8 कितना हो जाएगा +8 और ये कितना -j, अब माइनस जे हो गया 1 × 0 कितना हो जाएगा 0, 3 × 4 = 12 -12। अगर हम देखें प्लस के तो कितना हो जाएगा 1 × 2 = -2 और 3 × 2 = 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आएगा 8i आ गया और माइनस माइनस प्लस 12j हो जाएगा और इसी तरीके से -2 और ये कितना हो जाएगा -8k। बच्चों अगर हम इसको निकालेंगे तो ये इसको अगर हम इसका वो निकालते हैं मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा -8 का स्क्वायर भी 80 का स्क्वायर कहलाएगा। इस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करिए ना तो ये आंसर आएगा 4√17। तो ये आपका एक तरीके से क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, जिसके हिसाब से अगर हम देखें तो 11 के हिसाब से देखें तो डी आंसर मेरा क्या है सही है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वेक्टर ए एंड बी ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा क्या है, देखिए ए प्लस बी और कितना डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है। अगर हम देखें विल बी ये किसके बराबर होगा, तो इसको हम अगर ओपन करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो भाई सबसे पहला हम क्या करें, इसको ओपन करें तो ए डॉट कितना हो जाएगा ए क्रॉस बी, देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए प्लस, अगर हम बी को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर कोई वेक्टर ऐसा होता ए और बी, ये ए वेक्टर ये क्या बी वेक्टर, अगर हम देखें ए क्रॉस बी को देखेंगे तो वो वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है, और ये वेक्टर ए से कितना डिग्री बन रहा है, देखो ये जो ए क्रॉस बी है वो ये कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और ये ए से कितना बन रहा है डॉट बना रहा है 90 भी है, तो ये एक तरीके से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ए क्रॉस बी फिर देखिए यही होगा और बी से भी कितना बना रहा है 0, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो 0 हो जाएगा। 12 का कितना आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक, बोला क्या इंडिकेट विच पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी गिवन बिलो हैज नॉट द सेम यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए मोमेंटम और इम्पल्स, पहला ऑप्शन मोमेंटम और इम्पल्स में कोई चेंज नहीं, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम एक तरीके से, तो दोनों का डायमेंशन सही होगा। अगर हम आते हैं टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, इसको देखते हैं टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना हो जाएगा ML² और डिस्टेंस कितना हो जाएगा L, तो टॉर्क का जो डायमेंशन होता है वो ML² t - 2 होता है और एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो MVR होता है, तो ये क्या हो जाएगा M हो जाएगा, वेलोसिटी देखें LT - 1 और ये कितना L हो जाएगा, तो ये डायमेंशन आया ML² t - 1। देखिए दोनों सेम नहीं है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरा बी आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का भी वही सेम होता है, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम, तो इस हिसाब से 13 का बी आंसर क्या है सही है, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी, फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी ये फॉर्मूला होता है, ठीक, इसको हम यही शब्द बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा तो देखते हैं भाई, एल ऊपर चला जाएगा तो ये एफ एल अपॉन अगर देखें तो एम होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा ML t - 2 और ये क्या हो जाएगा L और नीचे क्या लिखा हुआ है M लिखा हुआ है, M से M कट गया तो मेरा जो डायमेंशन बना वो कुछ L² t - 2 बन जाएगा, कितना बनेगा L² t - 2। अब देखें वेलोसिटी होता है LT - 1 होता है, एक्सेलरेशन LT - 2 होता है, लैटेंट हीट अगर देखें तो Q = क्या होता है ML होता है लैटेंट हीट का फॉर्मूला, L = कितना Q/m, तो Q जो होता है हीट होता है तो ML² t - 2 और नीचे कितना दिया है M,
तो m से m क्या हो गया कैंसिल, तो लैटेंट हीट कितनी आ गई, अगर देखें तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये मेरा लैटेंट हीट का फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से हम आते हैं तो 14 का मेरा कौन सा आंसर सही है, सी आंसर क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम यूनिट। तो देखिए वेवलेंथ और रिडबर्ग कांस्टेंट दोनों डिफरेंट यूनिट होती है, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डेंसिटी दोनों डिफरेंट होती है चीज होती है, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट ये भी बिल्कुल अलग होता है, थर्मल कैपेसिटी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो सेम, थर्मल कैपेसिटी भी जूल पर केल्विन होता है, कितना होता है जूल पर केल्विन, और जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो भी क्या होता है जूल पर केल्विन होता है। तो इस हिसाब से अगर हम आते हैं तो 15 का मेरा कौन सा आंसर सही है, डी आंसर क्या है सही है, नोट कर लीजिएगा, सेम यूनिट होती है इन दोनों की। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, द सिस्टम हैज अ बेसिक डायमेंशन एज डेंसिटी, ठीक है बेसिक डायमेंशन हैज डेंसिटी, और वी क्या है वेलोसिटी, और क्या ए क्या है एरिया, और ये फोर्स के रिप्रेजेंटेशन में बताना है, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स ऑन दिस सिस्टम। तो चलिए इसको हम फॉर्म बेस से कर सकते हैं, किससे, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन चुने, पहला ऑप्शन क्या है ए वी स्क्वायर डी, अगर इसका डायमेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ए हमारा एरिया है तो ये कितना हो गया एल स्क्वायर, वी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, लगा क्या स्क्वायर, और जो डी होता है डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है मास बाई मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं एल क्यूब लिख सकते हैं। तो हम इसको हम जो डेंसिटी का डायमेंशन होगा एम एल माइनस थ्री हो सकता है। अब इसको देखिए तो ये कितना हो गया एल स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, और अगर हम यहाँ से देखें तो एम एल माइनस थ्री हो जाएगा। ठीक, तो इसको अगर हम इसको अगर देखें एल स्क्वायर को अगर देखें तो हम एल की पावर क्या लिख सकते हैं फोर, यहाँ से कट जाएगा तो कुछ बनेगा देखिए एम एल t माइनस टू। तो देखिए यही पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो गया। तो 14 का कौन सा आंसर सही है, 16 का कौन सा आंसर सही है, ए आंसर क्या है करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम p अपॉन d प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच, ये क्या है कॉन्स्टेंट है ऐसा कुछ है। तो देखिए प्रेशर का डायमेंशन, और हमको बोला क्या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कांस्टेंट पी प्रेशर वी वेलोसिटी एच हाइट जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो प्रेशर होता है उसका डायमेंशन होता है कितना एम एल माइनस वन टी माइनस टू, सबका डायमेंशन लिखो कांस्टेंट का बताना है। तो डेंसिटी का कितना होगा एम एल माइनस थ्री, ये हो गया, और अगर हम आए वेलोसिटी पे आए तो वेलोसिटी डायमेंशन कितना होता है एल टी माइनस वन, लगा क्या स्क्वायर, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, और आगे आए जी, जी का डायमेंशन एल टी माइनस टू, और एच का डायमेंशन कितना होता है एल, और यही मेरा कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। इसी को सॉल्व करते हैं, एम से एम कट गया, ठीक है एल माइनस थ्री से कट गया तो ऊपर बना एल की टू और टी माइनस टू, ठीक प्लस इसको देखिए एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, और एल एल कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हमारा कांस्टेंट होगा, और तीनों को जोड़ेंगे तो डायमेंशन होमोजेनिटी, ये देखिए सब सेम है तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू। तो मेरा जो कांस्टेंट का डायमेंशन आएगा वो एक तरीके से आएगा एम की पावर जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कांस्टेंट का क्या है डायमेंशन है। तो इस हिसाब से आते हैं तो हमारा 17 का कौन सा आंसर सही है, डी आंसर क्या है करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है बच्चों इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए थियोरेटिकल क्वेश्चन है फिलहाल, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लैटेंट हीट, अभी हम लोगों ने देखा q इज इक्वल टू क्या होता है ml होता है, तो l इज इक्वल टू q बाई m हो जाएगा, q का डायमेंशन कितना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा m, m से m कट गया तो लैटेंट हीट कितना हो जाएगा l स्क्वायर टी माइनस टू। तो अगर हम देखें तो मेरा कौन सा आंसर पहला ही ऑप्शन सही है, अभी लैटेंट हीट को आपने देखा ही था पिछले उसमें, ठीक है चलिए 18 का कौन सा सही है, ए आंसर क्या है सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 बोला क्या द रेशियो ऑफ ईएमयू ऑफ चार्ज टू ईएसयू ऑफ चार्ज। तो भैया ईएमयू ऑफ द चार्ज ईएसयू जो चार्ज होता है उनका जो रेशियो होता है वो 3×10 की पावर 10 होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें पहला ही आंसर क्या है सही है, ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी वी,
पार्टिकल को ऊपर फेंका जा रहा है किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, ये है ऐसा, ठीक। आगे चलते हैं, अपवर्ड विथ वेलोसिटी वी इट रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ वेलोसिटी बॉल की क्या हुई होगी, जीरो हो गई होगी कि नहीं। अब जब ये रिटर्न टू ग्राउंड आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किधर की ओर होगी, नीचे की ओर होगी। जिस वेलोसिटी से फेंको उसी वेलोसिटी से नीचे भी आता है फ्री फॉल में। तो देखिए एक समय उसकी वेलोसिटी अगर देखे तो प्लस रही होगी, और अब अगर देखे तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, माइनस, और यहाँ पे क्या रही होगी, जीरो। तो अगर हम आइए देखिए बच्चों सी नंबर ग्राफ अगर देखें तो क्या दिख रहा है सी। देखिए सबसे पहले वेलोसिटी यहाँ कुछ आपने t इज इक्वल टू जीरो पे कुछ वेलोसिटी दी, ठीक। वेलोसिटी घटते 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। अब वेलोसिटी अगर हम देखें तो अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, खत्म नहीं हो गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव ग्राफ जाएगा तो एक तरीके से कौन सा ग्राफ आ जाएगा, ये। तो अगर हम देखते हैं तो मेरा कौन सा आंसर सही है, सी। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, ग्राफ कुछ और ले लेते हैं, जैसे ए है और बी और डी को आप देख सकते हैं। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव होती तो इसका मतलब है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, डिक्रीज नहीं कर रही, उसका क्या चेंज हो गया, डायरेक्शन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आंसर सही है मेरा, सी आंसर क्या है सही। अब हम आते हैं लास्ट के 5 क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 21 को अगर ध्यान से पढ़िए, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला क्या है, एज सोन इन द फिगर एक्सप्लेन एट बी फोर्स इज जीरो, बी पे क्या फोर्स जीरो है, नहीं। देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम है तो बच्चों ये सब एक्सेलरेशन देंगे हमको, वेलोसिटी, ये देखिए ग्राफ कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन यहाँ जीरो, यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन क्या, रिटार्डेशन होगा, मतलब नेगेटिव, और यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका एक्सेलरेशन, गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखिए हमसे पूछा क्या है कि अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं एट बी फोर्स इज जीरो, गलत बात, बी पे अगर देखें फोर्स बट टूअर्ड मोशन, मोशन नहीं कर रही, रिटार्ड कर रही है। तो अगर हम देखें एट बी देयर इज अ फोर्स ऑफ अपोज मोशन, तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हो रहा है मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो मेरा अपोज होता है, या तो रिस्टोरिंग भी कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा फोर्स क्या करेगा, रिस्टोरिंग की तरह से बिहेव करेगा। तो मैं अगर देखूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव तो गाड़ी में क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, और ये एक तरीके से क्या है, रिस्टोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बोला क्या, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल 2i प्लस 3j, ठीक है। अब हमको ट्रैजेक्टरी निकालनी, तो ट्रैजेक्टरी बच्चों आपने देखा होगा u sin थीटा अपॉन कितना होता है, u cos थीटा इंटू x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए ये जो वेलोसिटी होती है एक्स वेलोसिटी होती है, और इसमें देखें अगर हम प्रोजेक्टाइल पढ़े तो ये यू कॉस थीटा होती है, और ये जो वेलोसिटी होती है यू वाई होती है, इसको हम देखें तो कितना होता है यू साइन थीटा, इसकी वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। यू साइन थीटा अगर देखें तो 3 है, और यू कॉस थीटा अगर देखें तो 2 है। हाफ जी की वैल्यू 10 रख लीजिए एक्स स्क्वायर, और यू कॉस थीटा अगर हम देखें तो कितना है 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये कट गया, ठीक है। तो कितना है 3x/2 और माइनस 5x/4, अगर एलसीएम अगर देखें तो कितना आ जाएगा 4, 2 से कट गया ये, तो 3 × 2 = 6x हो जाएगा, ये कितना 5x², और ये y है, 4 को इधर कर लिए तो 4y = 6x - 5x², ठीक है। तो ये हम अगर देखें तो मेरा कौन सा आंसर सही है, पहला ही आंसर क्या है, करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक, 23, द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इफ द बॉडी प्रोजेक्टेड एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, कितने डिग्री से फेंका जा रहा है, 60 डिग्री से, ये है कितनी डिग्री से, 60 डिग्री से। अब ध्यान से देखिए, बोला क्या द मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, 2 kg, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 m/s, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हमसे टोटल एनर्जी पूछा है बच्चों, तो एक चीज़ याद रखिए, मैं रिवाइज करा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी हम निकालते थे हाफ mu² cos² θ होता था, और जो पोटेंशियल एनर्जी होता था वो होता था हाफ mu² sin² θ, और अगर हम इन टोटल एनर्जी निकालते थे तो इन दोनों को जोड़ दे तो साइन और कॉस 1 हो जाता था, कितना बचता था, हाफ mu². तो देखिए मास कितना दिया हुआ है, 2, और वेलोसिटी कितना दी है, 5² 2 से 2 कट गया, कितना आंसर होगा, 25 जूल। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 23 का ए,
नोट कर लीजिएगा, ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्ट प्रोजेक्टाइल इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कितना दिया है y इज इक्वल टू 2t दिया और हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है प्रोजेक्टाइल के केस में, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dy by dt कर दें तो ये 2 हो जाएगा। ये वर्टिकल, ये क्या है, dy by वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इज इक्वल टू देखें तो कितना होता है 2u sin थीटा अपॉन g, ये होता है 2 और u, एक तरीके से वर्टिकल वेलोसिटी होती क्या है u sin थीटा ही होती है, तो u sin थीटा की वैल्यू 2 दी हुई और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो कितना हो गया 4/10 हो जाएगा, इसको काट दिए 2 और ये कितना 5, तो आंसर मेरा 2/5। एक तरीके से कौन सा आंसर सही, पहले का ए सही है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मेरे से ये पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है 2 kg, ये दिया है 3 kg और ये दिया है 10 kg, ठीक है। यहाँ एक्सेलरेशन आपसे पूछ, बच्चों इसको करने में बड़ा समय लगता है मगर आपको मैं जल्दी कैसे करेंगे ये चीज़ सिखा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ देखिए तो कितना लगेगा 10g लगेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा ऊपर और ये कितना है 2g और इसका एक्सेलरेशन कितना a ऐसा होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या करेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो देखिए 10g खींच रहा है और अगर 10g देखो तो इधर से 2g क्या कर रहा है, रोक रहा है, ऐसा रहे कि नहीं दिख रहा है, तो जो रोक रहा है उसको माइनस कर दीजिए और क्या हो जाएगा, कितने मास 10 + 3 = 13 और 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 10g - 2g तो 8g हो जाएगा और एक तरीके से 15, तो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं 10g - 2g = 8g और ये कितना 15, तो इतना मेरा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से जाते हैं तो हमारा बी आंसर क्या है सही है, कौन सा आंसर सही है, बी आंसर क्या है सही है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बच्चों ये रहे 25 क्वेश्चन, इसकी एनालिसिस आप खुद करिए, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन तो फिलहाल तो नहीं था, ये सरल है, ये हमारा USP 1 था, यूनिट सैम्पल पेपर 1 है जिसके टॉपिक हम आपको बता दिए। अगला जो यूनिट सैम्पल 2 होगा जिसका सिलेबस ये है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, ये चीज़ है, अगला सैम्पल पेपर हम लेंगे और हम एक स्पेशल टॉपिक आपसे बोले थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कशन करेंगे जिसका आज का टॉपिक क्या है, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, हम आपको बता देते हैं, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम, चलिए आपको सिखा देता हूँ क्योंकि ग्राफ बेस आता है तो सीख लीजिए इसको, ठीक है, ग्राफ बेस प्रॉब्लम। हर वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक ले लूँगा जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, चलिए आप देर न करते, देखिए ग्राफ कितना होता है, या तो XT ग्राफ पूछेगा या तो VT ग्राफ पूछेगा, इसके अलावा तो कोई ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, वन डायमेंशन में। अब देखिए बच्चों वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है, तो समझ जाना तुरंत कि क्या निकालना है, स्लोप, और स्लोप क्या हो सकता है इसको समझिए, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो क्या हो जाए नेगेटिव, इसके अलावा तो होगा नहीं। और दूसरा अगर हम देखें वेलोसिटी टाइम में, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, स्लोप ही निकलेगा, तो अगर देखें स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, नेगेटिव। और एक ग्राफ बन सकता है VT ग्राफ में, ये VT ग्राफ है, ये कौन सा मेरा ग्राफ है, XT ग्राफ है, और ये कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ है, और हम T को इधर कर दिए तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V × T। तो देखिए कभी भी मल्टीप्लाई हो जाए तो समझ जाओ एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो हम अगर ये कह सकते हैं कि अगर VT का जो एरिया होगा वो एक तरीके से क्या हमें देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको ध्यान से। देखिए सबसे पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये देखिए ऐसा ग्राफ, तो देखिए ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है पॉजिटिव है, और दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो ये देगा क्या, वेलोसिटी, याद रखिएगा क्या देगा, वेलोसिटी। तो अगर हर पॉइंट पे आप अगर देखें स्लोप बराबर है तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें तो वेलोसिटी भी क्या होगी, बराबर, तो इस केस को हम बोल सकते हैं क्या, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव होगी, दूसरा वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, क्या होगी, यूनिफॉर्म। दूसरा XT ग्राफ अगर ऐसा हो तो देखिए क्या दिख रहा है, स्लोप जीरो है, ये क्या दिख रहा है, कांस्टेंट ग्राफ दिख रहा है, ये कैसा है,
तो अगर हम देखें स्लोप जीरो है और स्लोप एक्सटी ग्राफ में होता क्या है, वेलोसिटी, तो स्लोप जीरो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। एक अगला ग्राफ देख लेते हैं, एक्सटी ग्राफ ऐसा कुछ अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ भी ऐसे बन सकता है, वीटी ग्राफ भी ऐसे बन सकता है, और अगर हम देखें तो वीटी ग्राफ भी ऐसे बन सकता है। ठीक, अब देखें अगर हम वीटी ग्राफ के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है समय के साथ, तो अगर हम देखें तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा मेरा, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, हमें वी बाई टी दिखा, वीटी ग्राफ का जो होता है वो एरिया देगा, तो इसका मतलब जो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि वी अंडर टी ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन देता है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब स्लोप क्या दिख रहा है, जीरो होगा, होगा कि नहीं इस केस में दिख रहा है। अगला ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा, तो यहाँ पे स्लोप आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, स्लोप नेगेटिव, इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है, तो देख लीजिए, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि वीटी ग्राफ होता है, वीटी का जो स्लोप होता है वो मतलब क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक तरीके से अगर ये ग्राफ अगर हमें दे दिया तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही समय के साथ, तो ये रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि गाड़ी में आपने क्या लगा दिया, ब्रेक, और फोर्स जो होगा वो किस तरीके का फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम क्या कहेंगे, रोकने वाला फोर्स, क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपका ग्राफ है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं एक्सटी ग्राफ, एरिया बाउंडेड वाला। तो देखो क्या है, अब देखिए यहाँ पे वीटी ग्राफ दिया हुआ, कुछ एरिया ऐसे बाउंड है ऐसे, ठीक है, ये है, ये पॉजिटिव एरिया होगा, ये नेगेटिव एरिया होगा, ये पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है एग्जामिनर, और क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और डिस्टेंस जो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। ठीक है, अब देखें, अब हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम, तो अभी मैंने लिखा है वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, ये एरिया बन रहा है, और ये भी क्या बन रहा है, एरिया। तो ये ए वन हो गया, ये क्या होगा, ए टू होगा, ये क्या होगा, ए थ्री होगा, और ये क्या होगा, ए फोर होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव एरिया को जोड़ लीजिए और नेगेटिव एरिया को भी जोड़ के क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस अगर निकालना हो तो सारे एरिया को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलता है। तो बच्चों ये चीज़ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, एक मेरा वीडियो भी इस पर बना हुआ है ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम का, जाके उसको भी आप डिटेल में और देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको लिख भी लीजिएगा सारी चीज़ों को। तो बच्चों हम लोग अब अगला लेने जा रहे हैं यूनिट सैम्पल पेपर टू, जिसका सिलेबस आपको मैंने दिखाई दिया था। ठीक है, क्या है और उसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। पढ़ाई अब शुरू कर दीजिए, देर बिल्कुल भी किसी तरीके का मत करिए, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी होती है, कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेरी है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके भी वीडियो आपको बना के हम दे देंगे। ठीक है, चलिए, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।